वेलकम स्टूडेंट, एज यू नो कि हमारा टॉपिक चला हुआ था एरर का। उसमें हमने जो सिस्टमैटिक एरर थे, जिन जिन कारण से आ सकते थे, वो हमने स्टडी किए थे। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि एरर है वो एक दो टाइप और होंगी जो मैंने बताया थी। शायद एक तो आपको रैंडम बताई थी और एक ग्रोस एरर बताई थी। ये जो है आप ये कह सकते हो कि ये जरूरी नहीं कि हर इंसान के लिए हो। इसको दूसरा इसका नाम यदि हम कहें ना, तो इसको चांस एरर भी बोल सकते हैं कि हमें पता नहीं होता कि ये होने वाला है नहीं। ठीक है, जो रैंडम एरर की यदि मैं बात करूं तो इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता कि भाई हो सकता है आप कर रहे हो तब हो जाए, मैं करूं तब ना हो। ठीक है, तो उस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, इसमें हम लिखना शुरू करें। दीज एरर आर रैंडम इन देयर साइज एंड साइन, दैट इज समटाइम दे आर पॉजिटिव एंड समटाइम्स दे आर नेगेटिव, दे आर ऑल्सो कॉल्ड चांस एरर। अभी सीधी सी बात है, हमें पता है कि कभी भी हो सकता है या ना भी हो, या हो जाए हमें पता भी ना चले। तो सीधी सीधी बात, इस केस में हमें क्या करना चाहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा है ना उसकी मेजरमेंट करनी चाहिए, फिर मेन निकाल लो। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, एरर आने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इसको हम कम कैसे करते हैं, कर सकते हैं, तो इट कैन बी be reduce by taking more measurement and if we take n measurement then chances of random error reduce 1/n टाइम्स। तो हम क्या देखते हैं कि जो 1/n टाइम्स, मतलब सपोज करो हमने भाई दो बार उसकी रीडिंग ली तो उसके आने की, एरर आने की चांस हाफ हो गए। तीन बार ली तो 1/3 हो गए, फोर लिए तो 1/4 हो गया, फाइव टाइम हमने ली तो 1/5 चांस, मतलब उसके गलती होने के चांस कम होते चले जाते हैं। जितनी ज़्यादा हम उसकी रीडिंग को कैलकुलेट करते चलेंगे, आने के चांस उतने ही कम होते चले जाएंगे। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट पे जाए तो भाई ग्रोस एरर, क्या है नेक्स्ट ग्रोस एरर, क्या होता है भाई ये, यदि कोई पूछे आपसे कि ग्रोस एरर क्या होगा, तो जो हमने बताए थे कि जो रीडिंग लेने वाला है उसकी जो लापरवाही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोस एरर।
दीज एरर अराइज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। हम पिछले में मैं एक में लिख रहा था केयरलेसनेस, फिर मैंने उसको हटा के वहां पे इन एक्सपीरियंस लिखा था। भाई एक तो हम कब गलती करें कि हमें चीज आती ना हो, एक हमें आती हो लेकिन लापरवाही यदि हम करें तो वो कौन, लापरवाही वाली जो आदत है वो कौन सी होती है, ग्रोस एरर उसको हम बोल देते हैं। केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, उसके कारण ये आता है। एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो इम्प्रॉपर रीडिंग, रीडिंग को ढंग से ना लेना भाई, उसमें एक ये हम लिख सकते हैं। उसके अलावा यदि मैं बात करूं रॉन्ग सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमें ग्रोस एरर देखने को मिल सकता है वहां पे। ये तो थी भाई जो नॉर्मल हम जो एरर आते हैं उनके जो हमने टाइप बताए, लेकिन अब यदि हम बात करें इसको ही थोड़ा और आगे बढ़ा के, तो नेक्स्ट हमारे पास है भाई एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट एरर यदि हम बात करें तो एक तरीके से यदि हम जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है या इंडिविजुअल वैल्यू है उनके बीच के यदि डिफरेंस हम निकालें उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। और ये दोनों हो सकता है भाई, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब बात आती है, चलो डेफिनेशन तो हमें पता लग गई लेकिन शायद इससे आपको समझ में ना भी आया हो, तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं या फिर इसको कंसीडर कर लेते हैं कि इसके लिए हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कैसे। अब लेट वी मेजर सम वैल्यू which are a1, a2, a3 and so on an, then mean value क्या होगी भाई हमारे पास, हमने मान ली ये हमारे पास क्या है, ये फिर ये value क्या है am जो है उसको हमने क्या मान लिया, इन सब का mean मान लिया, ठीक है। तो मीन वैल्यू आपको पता ही, a1, a2,
सोन ए एन अपोन एन हमारे पास क्या होगी, मीन वैल्यू। ठीक है, अब यदि हम देखें इसके अंदर कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ वैल्यू ए वन, किसकी वैल्यू हम निकाल रहे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, तो वो क्या होगी भाई, इससे साइड में आप लिख सकते हो कि जो ट्रू वैल्यू है वो किसके वैल्यू इक्वल होती है भाई, ट्रू वैल्यू हमारी इक्वल होगी मीन वैल्यू के, और उसको हमने क्या मान लिया, ए एम। तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ वैल्यू ए वन डेल ए एम इज इक्वल टू ए एम माइनस ए वन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए टू वो क्या होगी भाई, ए, इसको भाई आप ए वन लिखेंगे, हम यहाँ पे ए एम नहीं लिखेंगे, ए टू किसके इक्वल होगी, ए एम माइनस ए टू। ऐसे ही यदि हम चलते जाएं और निकालें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन, तो किसके इक्वल होगी भाई, वो डेल ए एन इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एन। ये हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, मीन, या फिर सॉरी मीन तो अगला होगा टॉपिक हमारा, ये हमारे पास उसकी भाई एब्सोल्यूट एरर हो। ठीक है, इसके बाद इसमें एक तो मीन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर वो और बचता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।